हेलो व्यूअर्स वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशनज नंबर ऑफ कन्वेक्शन सो so, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेनॉट्स नंबर से रेनॉट्स नंबर क्या होता है रेनाट्स नंबर रेशियो होता है इनिशिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स का रेनाट्स नंबर को डिनोट करते हैं आर ई e से ओके सो इनर्शिया फोर्स क्या होता है इनर्शिया फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी वजह से हमारा जो फ्लूड होता है वो मोशन करता है सो इनर्शिया फोर्स इज इक्वस टू मास इंटू एसिलेशन एसिलेशन क्या होता है एसेलेशन होता है चेंज इन बेलिसिटी अपऑन टाइम एंड मास को हम क्या लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्व टू मास पर यूनिट वॉल्यूम सो डेंसिटी डेंसिटी को हम लिखते हैं रो मास इज इक्व टू रो इंटू वी मास की जगह पर हम रख देंगे रो वी एंड बेलिसिटी टाइम की जगह पे क्या रखते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस को हम लेते हैं एल और टाइम हो गया टी सो स्पीड होता है वी यहाँ से हम टाइम की वैल्यू क्या रखते हैं टाइम की वैल्यू रखेंगे एल अपॉन वी एल अपॉन वी सो यहाँ से क्या हो जाएगा रो यहाँ पे ये वाला जो वी है ये वॉल्यूम है सो so, वॉल्यूम लिखते हैं एल का क्यूब वी यानी बेलिसिटी एंड ये भी हमारा है विलिसिटी सो ये so so हो जाएगा विलिसिटी का स्क्वायर अपॉन एल सो एल से एल कैंसिल यहाँ से हो जाएगा रो एल स्क्वायर एंड वी स्क्वायर योग्य सो इनरिशिया फोर्स की वैल्यू हो गई इनरिशिया फोर्स इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर एंड वी स्क्वायर विस्कस फोर्स क्या होता है विस्कस फोर्स होता है डिस्कस फोर्स इज इक्वल टू म्यू डी वी ओवर डी एक्स इंटू ए यहाँ पे डी वी जो होता है बिलिसिटी होता है और डी एक्स जो होता है डिस्टेंस होता है यानी बिलिसिटी ग्रेडियंट सो so, यू डी वी यानी लेंथ वी हमारा बिलिसिटी हो गया एंड डी एक्स यानी लेंथ हो गया ए हमारा एरिया यानी एल का स्क्वायर हो गया सो so, यहाँ पे इसका एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा म्यू वी एल ओके अब हम यहाँ विस्कस फोर्स और इनरिशिया फोर्स दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे रिनॉट्स नंबर के फॉर्मूले में तो हमारे पास हो जाएगा इनरिशिया फोर्स यानी रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स यानी कि वी म्यू एंड एल वी से वी कैंसिल आउट एल से एल कैंसिल आउट हमारे पास कितना बचा सो so, हमारे पास बचा है रो एल वी बाई म्यू ये हमारा होता है रिनोट्स नंबर आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिनॉड्स नंबर निस्ल नंबर नसिल नंबर को डिनोट किया जाता है एन यू से एंड ये रेशियो होता है हीट ट्रांसफर बाई कन्वेक्शन टू हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन के ओके हीट ट्रांसफ़र बाई कन्वेक्शन क्या होता है हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन होता है एच ए डी टी एंड हीट ट्रांसफर में कंडक्शन होता है के ए डी टी ओवर डी एक्स तो हमें पता है एट यहाँ से ए से कैंसिल आउट डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये डी एक्स यानी लेंथ होता है सो so एच ये डी एक्स की वैल्यू ऊपर जाएगी यानी एच इन टू एल अपॉन के यहाँ पर हम कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये यह के क्या होगा हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूड होगा ठीक है के होगा कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूड ओके सो नि नंबर की वैल्यू कितनी आ गई नंबर एच एल अपॉन के आई होप आपको समझ में आ गया होगा नाउ नेक्स्ट है नंबर नंबर क्या होता है हमारा इसे हम डिनोट करते हैं पी आर से और ये होता है मोमेंटम डिफ्यूजिबिटी जिसे कि हम कैनोमेटिक विस्कोसिटी uh, भी कहते हैं और थर्मल डिफ्यूजिबिटी का रेशियो सो मोमेंटम डिफ्यूजिबिटी यानी कि कैनोमेटिक स्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं उसे वैल्यू होती है म्यू अपॉन रो मोमेंटम डिफ्यूजिबिटी नाउ थर्मल डिफ्यूजिबिटी क्या होता है इसे डिनोट किया जाता है अल्फा से और इसकी वैल्यू होती है ये के अपॉन रो सी पी ओके सो इन दोनों की वैल्यू को हम पुट करेंगे प्रैंडल नंबर में पी आर इज इक्वल्स टू तो हो जाएगा म्यू अपॉन रो अपॉन के अपॉन रो सी पी सो यहाँ से रो से रो कैंसिल आउट हो गया और ये सी पी हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा म्यू सी पी अपॉन के पी आर इज इक्वल टू म्यू सी पी अपॉन के योया प्रांडल नंबर आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रैंडल नंबर नाउ अब हम बात करते हैं ग्रॉसिफ़ नंबर की ग्रॉस एफ नंबर को हम डिनोट करते जीएस से एंड ये होता है बाइनसी फोर्स इनटू इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स का होल स्क्वायर सो तो बाइनसी फोर्स क्या होता है बाइनसी फोर्स यानी कि एफबी फोर्स बाइनसी इज इक्वल्स टू रो जी वी ओके हमें पता है कि कन्वेक्शन के अंदर हमारा जो फ्लूइड यानी हीट का ट्रांसफर जो होता है वो किसके थ्रू होता है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है किसकी वजह से होता है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है सो so, यहाँ पे हम बायसी फोर्स में जो डेंसि डेंसिटी लेते हैं वहाँ पे हम क्या लेंगे डेंसिटी डिफरेंस रो की वैल्यू को बीटा इज इक्वल टू चेंज इन चेंज इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इन डेल्टा टी यहाँ से हम डेल्टा रो की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं सो so, यहाँ पे जो बीटा है वो क्या है हमारा वॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपॉन्सर ठीक है बीटा क्या है हमारा ऑफ वॉल्यूम से हम क्या करते हैं डेल्टा रो की वैल्यू को पुट करते हैं सो so, डेल्टा रो की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा रो हो जाएगा हमारा बीटा रो डेल्टा टी जी एंड वी अपॉन ये हमारा है बाइनसी फोर्स ओके ये हमारा क्या हो गया बाइंसी फोर्स आ गया यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू पुट कर दी सॉरी यहाँ से हमने डेल्टा रो की वैल्यू पुट कर दी डेल्ट बीटा रो डेल्टा टी बीटा रो डेल्टा टी एंड जी एन बी हमारा पहले से था ठीक है ये हो गया हमारा बाइंसी फोर्स की वैल्यू इनर्शिया फोर्स अभी हमने देखा था जिसकी वैल्यू आई थी हमारे पास रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर एंड विस्कस फोर्स हमारे पास है म्यू एल एन वी ठीक है ये हमारे पास विस्कस फोर्स की वैल्यू है ये हमारे पास इनर्शिया फोर्स की वैल्यू है और ये हमारे पास बाइन्सी फोर्स की वैल्यू है इन तीनों की वैल्यू को हम पुट करते हैं ग्रसफ नंबर में हमारे पास यहाँ से ग्रसफ नंबर निकल जाएगा सो so, बीटा रो डेल्टा टी जी वी इंटू इनरिशिया फोर्स यानी रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू एल वी का होल स्क्वायर यानी कि इन सब का स्क्वायर हो जाएगा सो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट एन एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हमारे पास कितना बचा बीटा रो का स्क्वायर डेल्टा टी जी वी डिवाइडेड बाई म्यू का स्क्वायर आपको समझ में आ गया होगा ग्रेसव नंबर यहाँ पे जो वी है वो हमारे पास क्या होगा वॉल्यूम होगा सो हो गया एल क्यूब ओके बीटा एल का स्क्वायर डेल्टा टी जी एल क्यूब अपॉन म्यू स्क्वायर ये हमारे पास क्या है क्रॉस ऑफ नंबर है ओके सो नेक्स्ट है स्टैटन नंबर स्टैटन नंबर को डिनोट करते हैं एस टी से और ये होता है रेशियो कन्वेक्टिव हीट प्लक्स और हीट कैपेसिटी ऑफ फ्लूट का सो कन्वेक्टिव हीट प्लक्स क्या होता है हीट प्लक्स कन्वेक्टिव हीट प्लक्स होता है क्यू ए एच डेल्टा टी ओके okay. सो so, यहाँ पे एच डेल्टा टी आएगा और ये हो जाएगा ही कैपेसिटी ऑफ फ्लूड यानी कि एम सी पी डेल्टा टी एम सी पी डेल्टा टी डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल और हमारे पास बचा एच एम सी पी यहाँ पे एम क्या है मास है सो so, मास क्या होता है हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल्स टू यानी रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम ये हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन रो वी सी पी ओके सो so, एस टी यानी कि स्टैटर्ड नंबर इज इक्वल्स टू तो एच अपॉन रोवी सी पी आई आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेनॉल्ड नंबर पैंडल नंबर नेसिल नंबर स्टैटर्ड नंबर एंड ग्रेसर्फ नंबर सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू